हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट टू है कटिंग का और यू शेप कट बता रही हूँ आज मैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब हम यू शेप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कटिंग शीट लगाना है सबसे पहले। अगर कटिंग शीट ना हो तो आप कॉटन की चुन्नी ले सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। बालों को वेट करना है अच्छे से, टेंगल फ्री करना है। बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, क्योंकि वेट होने के बाद बालों को सुलझाना जरूरी है, तभी आप कटिंग अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद सेंटर पार्टिंग निकालनी है आपको। हमें यू कट करना है। अब मैं नॉर्मल यू बता रही हूँ आपको। बालों को कॉम करके इस शोल्डर पे ऐसे फैलाना है, लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर तक। उसके बाद आपको यू शेप देना है। वन साइड जो आपका डायग्राम्स है, इसी से आप यहाँ गाइडलाइन लेंगे अपनी। ऐसे तुम्हारा यहाँ आया, ठीक है गाइस। अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, पहली वाली वीडियोस में। पहले सेंटर से लेंगे, स्ट्रेट नीचे की तरफ और इसमें स्ट्रेट करेंगे। फिर इसके दो पार्टीशंस, थोड़ा सा तिरछा जाएंगे और सीजर भी तिरछी चलाएंगे। जब हमारे पूरे हो जाएंगे साइड्स के, तो हम फिर इसके दो पार्टीशंस करेंगे। पहले पार्टीशन को शोल्डर के साइड्स पे रखकर कट करना है, सबको इवन करना है। और सेकंड लेयर को शोल्डर के डाउन एरिया में, शोल्डर से नीचे वाले। ये हमारा वन साइडेड आ गया। अब हम ऐसे ही सेकंड साइड्स में इसको हम अलग कर देते हैं। पहले यहाँ शोल्डर के टॉप पर सभी वाले कपड़े करने हैं वन साइड्स के, और इसके दो पार्टीशंस करने हैं। फर्स्ट पार्टीशन शोल्डर के टॉप पर जो अनइवन है उसको हमें कट करना है, बाकी हमें शोल्डर के नीचे डाउन एरिया में फिर इसको ले लेंगे। ठीक है गाइस, अब इसको एक और चेकिंग है। सारे बाल को पीछे करना है, पार्टीशन बंद करनी है। फिर हमें सेंटर पार्टिंग लेनी है और इसके फिर दो पार्ट करने हैं। और जो अनइवन है उनको इक्वल करना है, और ऐसे अनइवन को इवन करना है। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा यू कट, और कैसा लगे जरूर बताइएगा। अगर इन केस किसी को नहीं समझ आता, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो वो जरूर पूछेगा। मैं जरूर बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है गाइस। और इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।